कम्युनिटी मेडिसिन में एक क्वेश्चन आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन की अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो द कम्बाइन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। मतलब क्या है इसका कि कम्बाइन और कोऑर्डिनेटेड यूज़, यहाँ पे अपन जो चार चीज़ें हैं ना उनका कम्बाइन, जैसे चार कौन कौन से, मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर, इनका कंबाइन और कोऑर्डिनेटेड यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेशन में यूज़ करेंगे फॉर ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग एबिलिटी। तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी तक पहुंच सके, इसके लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, रिट्रेनिंग देंगे, उसको कहेंगे रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन क्या है, द कम्बाइन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर फॉर द ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबलिंग एंड हैंडीकैप्डिंग कंडीशन एंड एट इनेबलिंग द डिसेबल हैंडीकैप टू अचीव अ सोशल इंटीग्रेशन। क्या है, देखो जो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं या जो डिसेबल हो चुके हैं उनको इनेबल करवाना है ताकि वो वापस क्या हो जाए, हेल्दी हो सके, है ना। जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, वो सोशल इंटीग्रेशन को अचीव कर सके, है ना। उसके लिए ही तो अपन क्या कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, जिसमें कि कंबाइन और कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर। आगे हम देखेंगे ना यहाँ पे जो मेडिकल रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं, रिहैबिलिटेशन में रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस, फिर वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या करेंगे अपन, रेस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, और सोशल रिहैबिलिटेशन में क्या किया जाएगा, रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल में क्या किया जाएगा, रेस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। तो डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस के लिए साइकोलॉजिकल, फिर मेडिकल में क्या, फंक्शंस रिस्टोर हो जाएंगे, वोकेशनल के थ्रू क्या होगा, रेस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, और जो सोशल वाला है इसमें क्या आ जाएगा कि फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर करेंगे। अब जो इट इन्वॉल्व रिहैबिलिटेशन मेडिसिन और अ फिजिकल मेडिसिन और अ फिजिट्री हैज इमर्ज इन अ रिसेंट ईयर एज अ मेडिकल स्पेशलिटी। इट एम्स टू इन्हेंस एंड रिस्टोर द फंक्शनल एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू दोज विथ फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटीज। अ फिजियाट्रिस्ट स्पेशलाइज इन अ रीजनिंग ऑप्शनल फंक्शन टू पीपल विथ इंजर्स टू द मसल, बोन, रिगामेंट, नर्वस सिस्टम। तो इंजुरी के लिए फिजियाट्रिस्ट जो होता है वो स्पेशलाइज होगा। फिर सिक्स फॉर्मल सब स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, पेन मेडिसिन में, पीडियाट्रिक में, है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी मेडिसिन में, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन और ब्रेन मेडिसिन। तो ये छः फॉर्मल सब स्पेशलाइजेशन भी इसी में को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। छः सब फॉर्मल सब स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से हैं, न्यूरोमस्कुलर मेडिसिन, पेन मेडिसिन, पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मेडिसिन, स्पोर्ट मेडिसिन और ब्रेन मेडिसिन। पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल पर्सन आर इन्वॉल्व्ड इन द डिसिप्लिन। दे आर फिजिकल फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, वोकेशन गाइडेशन गाइडेंस, ये सब भी आ जाएगा। अब रिहैबिलिटेशन इज़ नो लॉन्गर लुक्ड अपॉन एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन। द करंट व्यू इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर डज नॉट एंड व्हेन द टेम्परेचर टचेज द नॉर्मल एंड स्टिचेस आर रिमूव। मतलब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ख़त्म नहीं हो जाती जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या उसके स्टिचेस रिमूव हो जाए, बल्कि द पेशेंट मस्ट रिस्टोर, जब तक वो रिस्टोर ना हो जाए, रिटेन ना कर ले, टू लाइव विथ वर्क विद इन द लिमिट ऑफ हिज डिसेबिलिटी, जब उसकी डिसेबिलिटी लिमिट हो जाए और कैपेसिटी तक पहुँच जाए, तो उसको कहेंगे रिहैबिलिटेशन। और आज मेडिकल रिहैबिलिटेशन शुड स्टार्ट वेरी अर्ली इन द प्रोसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो रिहैबिलिटेशन के एग्जांपल्स क्या है, स्टेबलाइजिंग स्कूल फॉर अ ब्लाइंड, कोई ब्लाइंड पर्सन है तो ब्लाइंड हो चुका है तो उसके बाद वो स्कूल तक पहुंच जाए तो उसको रिहैबिलिटेशन कहेंगे। प्रोविजन ऑफ एड्स फॉर द क्रिपल्ड, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोसी, मसल रिडक्शन एंड ग्रेडेड एक्सरसाइज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो एक्सरसाइज कर सकेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला बंदा।
ब्लाइंड पर्सन स्कूल जा पा रहा है, तो ये रिहेबिलिटेशन में आ जाएंगे। और इसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें, और भी दिया है, जैसे टीबी का पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, तो ये रिहेबिलिटेशन इनके लिए भी होगा। और रिहेबिलिटेशन जो है इसमें क्या होता है कि इन इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज दैट रिहेबिलिटेशन इज अ डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग टास्क दैट सेल्डम गिव्स द टोटली सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बट नीड एंथुसियास्टिक कोऑपरेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज एक्सपर्टाइज इक्विपमेंट एंड फंड्स नॉट रैपिडली अवेलेबल फॉर दिस पर्पस इवन इन एफ्लुएंट सोसाइटीज़। तो क्या होता है कि इसके लिए फंड्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते, इसकी वजह से अपन रिहेबिलिटेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली इसमें आपको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन में कि कंबाइन एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, वोकेशनल, फिजियल, साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर का कंबाइन कोऑर्डिनेटेड यूज़ करेंगे ट्रेनिंग और रिटेनिंग के लिए इंडिविजुअल की, ताकि वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी तक पहुंच सके, जो कि डिसेबिलिटी में है या जो हैंडीकैप्ड हो चुका है उसको अपन ट्रेनिंग देंगे, रिट्रेनिंग देंगे, ताकि वो क्या कहाँ तक पहुंच सके, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी तक पहुंच सके। तो रिहेबिलिटेशन हो गया, इसमें 6 सब फॉर्मल स्पेशलाइजेशन की बात की थी, और फिजियाट्रिस्ट स्पेशलाइजिंग इन रिस्टोरिंग ऑप्शनल फंक्शन टू पीपल विथ इंजुरी टू मसल, बोन, लिगामेंट, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये याद रखना है।